पूछो। बस कर दो ज़ैनब, इन बेजान टांगों में अब जान नहीं पड़ने वाली। तुम बिला वजह खुद को थका रही हो। मोजा तो हो सकता है, ना उम्मीद भी नहीं होना चाहिए। मोजा ही तो है ये कि आज आप दोनों मेरे साथ हैं। थोड़े ही दिन हुए हमें इकट्ठे हुए, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे मैं बरसों से जानती हूं आप लोगों को। अरे आप हैं ही ऐसी कि कोई आपसे ज्यादा देर दूर रह ही नहीं सकता। कुछ सोच रही हूँ। कुछ नहीं, बहुत स्टूपिड सोच थी। क्या? बस वो बात ही ऐसी है कि अब मुझे लग रहा है मैंने सोची भी कैसे। अभी तो आप कह रही थी कि रिश्ता ऐसा है कि बरसों से जानते हैं, और जिनको बरसों से जानते हैं, जो इतने करीब होते हैं, उनसे कुछ छुपाते तो नहीं। तुमने वो गलवाने के लिए बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। हाँ तो फिर बताइए। जब मैं पहली बार मिली ना तुमसे और उष्णा से, तो मुझे उष्णा पसंद आ गई थी अपने बेटे शहरोज के लिए। बकर बात मैं तुम्हारे लिए करने गई थी, तो फिर दिल में ये सोचा अगर किसी वजह से जैनब ने इनकार कर दिया तो उष्णा का हाथ मान लूंगी। पर अब ये सोचती हूँ ये सोचना कितना गलत था। आपने मुझ पर इतना भरोसा किया है, हमें अपने घर का फल बनाया है, अपने दिल की बात शेयर की है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपसे कुछ ना छुपाऊं। एक सच है जो मैं आपको बताना चाहती हूं। कैसा सच? तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो? जब आप अपने दिल की बात और सब कुछ मुझसे शेयर कर रही हैं, कुछ नहीं छुपा रही, तो मेरा फर्ज भी यही बनता है कि मैं आपको सब कुछ बताऊं। दरअसल उष्णा मेरी बेटी नहीं है, अडॉप्टेड है। उष्णा को मालूम है? उसको कभी नहीं बताया, नहीं बता सकती। किसी और को पता है? मेरे भाई और भाभियां जानते हैं, और इसीलिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। कहते हैं कि अगर तुमने अपना हक मांगा तो ये सच्चाई उष्णा को बता दे। जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। और सच तो यही है कि यही वो हकीकत है और यही वो बात है जिसकी वजह से मैंने इसने कहा कि हामी भरी। ज़ैनब अभी मेरे अलावा ये बात किसी को मत बताना, किसी को भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल YouTube चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कंटेंट।